ऐसे है, जब आ जाता है ना बड़ी तेजी होती है। तो क्या है, ईगो ही तो है हमारी तुम्हारी, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप को चेक करने की खुद को जरूरत है। कैसे वाणी निकलती है, धनाधन 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 नॉन स्टॉप, कहाँ भक्ति उस समय होती है हमारी, कहाँ भाव होता है उस समय हमारा। और गुरु उसी समय के लिए तो हमको तुमको टोकता है, गुरु आगे पीछे कुछ नहीं देखता है, सिर्फ उसी समय के लिए हमको तुमको बोलता है। एक शिष्य गुरु जी, एक शिष्य बोला, गुरु जी आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ छोड़कर कहीं मन नहीं लगता, लखनऊ का मोह केवल आपके ही कारण है। गुरु जी बोले, गुरु की वाणी बहुत अंदर की होती है, खाली विश्वास की जरूरत है। तुमको हमने जब जब जो कहा तुमने किया, तभी तुमको भरा है। गुरु को कभी नाराज ना करना, ना लड़ना उससे, जा प्रभु से ना ही चारा, ताको कीजिए सदा नमस्कार। जिस लक्ष्मी की पूजा तुम करते हो वह भी भगवान की ही है, अगर लक्ष्मी भी चाहते हो तो भगवान को क्यों नाराज करते। भगवान सबकी पालना करता है, ऐसे भगवान को तुम आदमी समझते हो, तुम भगवान की प्रतीक्षा करो, भगवान आएगा खाएगा, जैसा संकल्प करोगे एक दिन अपने आप हो जाएगा। अतः अच्छा अच्छा संकल्प करो, तुम जैसा संकल्प करते हो वैसी क्रिया मुझसे हो जाती है। हाँ पक्की बात है गुरु जी, तो अंदर कहते एक तो होता है बोल बोल के बता बता के करना कि गुरु जी आइए ये करिए वो करिए, हम लोग बहुत बुलाते थे गुरु जी को, और बड़े भजन गाते थे, जब जब माँ बाबू जी बाहर जाए तो गुरु जी की जो तस्वीर थी उसको हटा देते थे, गद्दी लगाते थे कि अब गुरु जी इसमें साक्षात आके बैठेंगे, और खूब भजन गा गा के गुरु जी को हम वो पीती, जो जो करते थे सत्संग सब बुलाते थे, लेकिन कभी ना आए। आए तो तब जब पता नहीं कौन सी याद में भूले बैठे रहते कि गुरु जी कि अगर कोई लखनऊ जाने को मिलता तो उन्हें आम भेज देते। पहली बार जो है ना अपने बाग के आम आए थे, तो बस जब खाते थे तो एक बस कसरत होती थी कोई जो लखनऊ जाने वाला मिले तो भेज दें। और कैसे गुरु जी आ गए, वो भी तब जब हम लड़ाई लड़ रहे थे सत्संग में, मासी से बोले कि बहुत मन करता है कि कोई गुरु जी को आम थोड़े से भेज दें, क्योंकि अब तो मेरे भगवान वही है तो भोग लगा दें उनको, ये आम आए हैं जो, बस इतना बोले थे। तो उसको वो बोल पड़ी कि हाँ लोकल होते तो आ जाते, कहाँ आएंगे। अरे भैया लोकल शब्द सुन के तो हम भड़क गए, हमने कहा भगवान और लोकल क्या नाम रखा है उनकी, देखा भगवान हमने या हमको भगवान है वो हमारे। तो वो बहुत गुस्सा भी हुई, बोली बढ़िया तुम तो बस फट से लड़ने लगती हो। बहुत गुस्सा हुई हमसे, बहुत बहस हुई और बहुत ज्यादा उन्होंने कहा तुम्हें तो बस शब्दों को पकड़ना आता ही है, बहुत कुछ कहा उन्होंने कि, लेकिन हमने अब उस लड़ाई का कोई अंत नहीं था, क्योंकि वो हमें सिर्फ एक ही बात की तकलीफ थी कि भगवान और लोकल दो शब्द एक साथ ना जोड़ो, या तो भगवान है तो वो तो प्रकट हो जाता है, हमारे भाव की कमी है कि हम नहीं, इतना भाव है कि हम उनके पास भेज नहीं पा रहे, हमने तो आने की सोची भी नहीं थी कि वो आए खाए, हमने कहा हमारा भाव में कमी है तभी हमें कोई मिल नहीं रहा है जो हम भेज पाए उनको, लेकिन भगवान के साथ लोकल शब्द जो आपने जोड़ा उससे मैं परहेज है और रहेगा। और भैया उस लड़ाई का कोई अंत नहीं था, सत्संग का समय खत्म हुआ, बात अपने अपने घर चले गए। और दूसरे दिन 11 बजे भैया रेखा दीदी की जो शक्ल देखी चौखट पे अपने दरवाजे के, तो समझ गए कि ये तो मतलब ही नहीं अकेले आने का, हमका गुरु जी आए, भाग के गए बाहर गुरु जी आए, तब भी कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। गुरु जी ऊपर क्योंकि और जा रहे थे आगे, तो सब लोग फ्रेश व्रेश हो रहे थे, फ्रेश होने का उन्होंने बरेली में सोचा, तो जितने लोग थे सब हमारे कमरे में पहुंच गए थे, बैठे हुए थे सब एक एक करके बाथरूम में फ्रेश हो रहे थे। अब माँ ने हमारी सास ने नीचे से बड़ी बड़ी प्लेटों में सब चीजें सारे नाश्ता वाश्ता लगा के भेजा किसी के हाथ। अब
गुरु जी आम जब खा रहे थे तब भी बोलते जा रहे थे कि देखो राकेश कितने मीठे आम है, कितने मीठे, तब भी ध्यान नहीं गया। फिर बोले कि राकेश देखो देखो अपने लखनऊ की दशहरी क्या होगी जो ये मीठा आम है। जब उन्होंने ये शब्द बोला तो जैसे बुद्धि खुली एकदम से, हम तो उछल गए, फट से खड़े होके हम जोर जोर से कूदने लगे। उनका हाय भगवान, इसी बात की तो कल बहस हुई थी और आप आ गए, सच में आपने प्रूव कर दिया कि आप भगवान है। क्योंकि हमारी बहस सिर्फ एक बात की थी, भगवान और लोकल दो चीजें एक साथ नहीं होती है। दो बातें एक साथ ना जोड़ो, या तो भगवान ना कहो, व्यक्ति है तो हाँ ठीक है, लोकल होता तो आ जाता। अपने भाव की कमी तो हम मान सकते हैं, लेकिन जब हम अपने भाव की कमी ही मान रहे थे तो वो तो भगवान और लोकल के लिए जो सत्संग में लड़ाई लड़ी थी उसको प्रूव करने आ गया, प्रमाण बन के आ गया वो ईश्वर, मेरे गुरु ऐसे। तो बोले आ जाए जबरदस्ती के लिए, हम उनको जितना शर्तें लगाएं और कहो आओ 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 ये करे वो, हम तो भगवान मानते हैं, देखें आते हैं नहीं, ऐसे आता है। मीरा के लिए ही आता है कभी, लाखों पुकारते हैं आ जाओ मेरे भगवान, लेकिन मीरा के लिए आते हैं गिरधर कभी। बोले सत्य की लड़ाई, सत्य की बात पे आता है वो, और सबके साथ आया है, ऐसा नहीं जितने भक्त हैं सबके पास अनुभव है, एक मेरे ही पास नहीं, सबके पास अलग अलग अनुभव है। अभी सब बोले तो सब अपना अपना अनुभव बता सकते हैं, कैसे गुरु आया हमारे पास किस समय, लेकिन किस समय ऐसे वाले से बुलाए और लिखे और बड़ा तैयारी कर ले आ जाएगा, ऐसे नहीं। वो तो बुलाने वाला भी कोई और होता है भक्त, और आने वाला भी कोई भगवान होता है। ये घटनाएं तो कभी कभी घटती है जीवन में, हमेशा घटे ऐसा नहीं होता है। वो ना बोले किन प्रश्न है, किंतु भगवान को मन भूल क्यों जाता है। गुरु जी ने उत्तर दिया, यही तो गुरु बार बार याद दिलाता है। गुरु की महिमा इसीलिए तो है कि वह तुमको इनके बंधन से छुड़ाता है। भगवान ने तुमको पांच छोड़ दिए, साथ ही गुरु ने इससे तुमको छुड़ा दिया। बार बार मन भूलता है, पर गुरु का भय जब तक होता है तब तक मन वश में रहता है। गुरु के सामने जोर से ना बोलो, जज बैठता है, वकील जोर से बोलता है तो ऑर्डर ऑर्डर करके चुप कराया जाता है। अतः गुरु का भय होना चाहिए। एक शिष्य ने कहा, गुरु जी आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ छोड़कर कहीं मन नहीं लगता, लखनऊ का मोह केवल आपके ही कारण है। तो गुरु जी ने बोला, गुरु की वाणी बड़ी अंदर की होती है, खाली विश्वास की जरूरत है। तुमको हमने जब जब जो जो कहा तुमने किया, तभी हमने तुमको भरा है। मतलब जब गुरुजी के कहने से उसने किया तभी गुरुजी ने उसको भरा। गुरु को कभी नाराज ना करना, ना लड़ना, जा प्रभु से ना ही चारा, ताको कीजिए सदा नमस्कार। जिस लक्ष्मी की तुम पूजा करते हो वह भी भगवान की है। लक्ष्मी चाहते हो तो भगवान को क्यों नाराज करते हो। भगवान सबकी पालना करता है, ऐसे भगवान को तुम आदमी समझते हो। तुम भगवान की प्रतीक्षा करो और भगवान आएगा खाएगा। जैसा संकल्प करोगे एक दिन हो जाएगा, अतः अच्छा अच्छा संकल्प करो। तुम जैसा संकल्प करते हो वैसी क्रिया मुझसे हो जाती है। एक बार हम गांव 15 दिन तक नहीं गए, शिवरानी परेशान हो गई। हमने थोड़ी दूर से शिवरानी को कुछ कहलाया, उसने चिढ़ कर कहा अब क्या करते हैं, वहीं से लौट जाए। देखो चिढ़ के ऐसे बोली, और कुछ ऐसी प्रकृति हुई कि हम वहीं से वापस चले जाना पड़ा हमें। देखो गुरु जी कितनी सत्य बात बोल रहे हैं। हम चिड़ के जैसे नहीं, वैसे ही हो जाता है, क्या करें। जैसे संकल्प तुमने किया वैसी सृष्टि हो गई, तो अपने संकल्प पे ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए गुरु जी ने बोला ना कि वाणी को बड़ साध के बोलो। वैसे बुला रहे हैं, अब तो संसारी व्यवहार कर रहे हैं, अब क्रोध में आ गए कि इतनी देर से आए, ऐसे आए, आए नहीं, अब क्या जरूरत है आने की, जब हम बुला रहे थे तब तो आए नहीं, अब बताओ ये सब क्या हुआ, व्यवहार कैसा हुआ, सांसारिक व्यवहार है ना, तो उससे गुरु लीजिएगा।
हम छोड़े नहीं कि हम तो यही करते रहेंगे, कभी भी गुरु जी के साथ को नहीं पा पाएंगे, आत्मज्ञान तो नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये तो गुरु की कृपा से ही ये अंदर की ये पट ये द्वार खुलता है, गुरु की कृपा की नजर से ही खुलेगा, आत्मज्ञान तभी होगा, उसके वाला सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा, पक्की बात है। बोले उसने चिढ़कर कहा आप क्या करते हो, वहीं से लौट जाएं। कुछ ऐसी प्रकृति हुई कि हम वहीं से वापस चले गए, हम आना भी चाहते थे गांव पर नहीं पहुंच पाए। तुम संकल्प करते हो और दोष भगवान को देते हो कि वो आता नहीं। बोले गृहस्थ अपने आप चलता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता, भगवान स्वयं कराते हैं। कहां से खाना आया, कहां से पानी आया, ये नहीं पता, भगवान से आया, सब भगवान से आया। राग द्वेष के चलने से ही भेद आता है, राग और द्वेष ही खराब है। तुम काम करो और छोड़ो, डॉक्टर हजारों ऑपरेशन करके भी खाली होता है, ऐसे ही गुरु भी खाली होता है। गृहस्थ तो तुम जहां जाओ वहीं बस जाएगा, जंगल में भी जाओ तो खाना मिल जाता है, निराशक्त तो होकर रहो तो कहीं भी रहो कोई बात नहीं है, क्या भी काम करो भगवान से ध्यान, भगवान में ध्यान रखो, कहो भगवान के लिए बनाता हूँ, भगवान के लिए करता हूँ, भगवान के लिए खाता हूँ। हम तो हमेशा भगवान को ही आगे रखते रहते हैं। बाबूजी मुन्नी जी मुन्नी के लिए लड़का ढूंढने जाते थे, हम कहते थे कहीं ना जाओ, लड़का खुद आकर दरवाजा खटखटाएगा, पर बाबूजी ने 3,000 रुपए खर्च कर दिए, लड़का नहीं मिला, हम तो भैया गुरु के साथ चले गए। और एक दिन सचमुच दरवाजा खटका और लड़का आया, और लड़का भी ऐसा वैसा नहीं, महाराजा जैसा, क्योंकि भगवान के भरोसे में हम थे। हमको जब भगवान गौराया देखता है तो वो हमारा सब काम स्वयं करता है, भगवान जिससे जो कराना चाहता है उसमें अपनी ताकत भर देता है। हम लोग माँ माँ करते हैं, हम बड़े हैं, हमने बड़ा किया, हमने रात दिन अपनी गाथा, बातचीत भी करेगा तो अपनी गाथा बताएगा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे खाना बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, बस इधर गया, वो गया, वो गया, सारी मन अपनी गाथा बताता रहेगा। गुरु की महिमा तो कहीं से, गुरु वो तो एक शब्द मुँह से फूट जाए, सब आपसे, हमने तो आप गुरु जी सब आपने ही सिखाया, बहुत हो गई महिमा, ये काफी महिमा है गुरु जी के लिए। अपनी महिमा के लिए 4 चांद लगाते हैं और सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन गुरु की महिमा के लिए 1 लाइन काफी है। हम लोग ऐसे कृपण है ईगो के कारण, सच्चाई बोल रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, झांक लें अपने अंदर जाके खुद, कितनी की महिमा करते हैं, कितनी अपने महिमा में रहे। गुरु जी ने अपनी वाणी में लिखा है, उनकी वाणी जो हम लोगों ने नोट करी है उसी में उन्होंने बोला है कि विरंच को भी गुरु महिमा करनी पड़ती है, उसके बिना काम नहीं बनता। तो ये कैसी बात है दी, विरंच माने विरंच मतलब बहुत अच्छे, मेरे को मामले तो ये जरूर लगता है, चाहे कितना ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कितना कर्म कुशल हो, पारंगत हो, हर क्षेत्र में बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन उसको भी गुरु महिमा के बगैर आत्मज्ञान नहीं हो सकता, ये पक्की बात है, ये मेरा अनुभव है खुद का। गुरु की महिमा ही ज्ञान है, तभी आत्मज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हम लोगों को गलत क्या है, झांक के तो अपने आप देखना पड़ेगा कि हम किस क्या हैं, क्या करते हैं। बोले भगवान जिससे जो कराना चाहता है उसमें अपनी ताकत स्वयं भर देता है, ये भी समझो, ताकत ना दे तो तुम कहां से करोगे काम। सही बात है, गुरु जी बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बोले अरे
बड़ा अपने आप को कार्यकुशल कर समझती हो, एक केले के छिलके में गिरा देगा, हड्डी पसली तोड़ देगा, करके दिखाओ, करने वाली हो तो करो, मैं कर रही हूँ करो, ये गुरु जी ने कहा, और गलत क्या कहा, सही तो है। अरे कह तो रहे, अगर गुरु ये बुद्धि सलामत ना रखे तो हम पागल को पागल कहते हैं, हमने अभी भी एक नस दबा दे तो हम पागलों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। तो सब तो गुरु जी की कृपा है, नहीं है कृपा गुरु की, तो गुरु की कृपा के ही हम लोग भिखारी हैं, और वही कृपा से ही हमारे और आपकी गाड़ी चल रही है, नहीं तो हम लोग कहाँ खड़े होते अपने। अगर गुरु जब से नहीं मिले थे तब से पहले के जीवन याद को सब कुछ था, लेकिन कितना अंदर में तकलीफ में रहते थे, और जब से गुरु मिला बाहर कुछ भी है लेकिन अंदर में शांति रहती है, ये अंदर की गति हो गई। पहले सब कुछ होने के बाद भी मन हमेशा झनका पटका को भवन वाला रहता था, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, माँ बाप से शिकायत, पति से शिकायत, भाई से शिकायत, उससे शिकायत, उससे शिकायत, अरे सिवाय इसके और कुछ था ही नहीं, दोस्तों से शिकायत, पड़ोसी से शिकायत, जिससे देखो वही गड़बड़, जहा जाओ वहां लड़गड़ के आओ। आज क्या है, जिधर चले जाओ उधर जो है ना प्रेम से भर के एक मित्र बन जाते, ये गुरु जी की दात है। और पहले क्या, जहां पहुंच जाए जिस जगह पहुंचे मान लड़ाई झगड़ा कर ले, किसी ना किसी बात का बहाना कारण बना के। तो ये गुरु की दात है या हमारे लोग के अपने अपने अच्छाई है, हम अपनी अच्छाई मानते हैं, हम बड़े अच्छे हैं। बोले ताकत ना दे तो हम तुम कहां से करेंगे काम। 5,000 रुपए अगर तुमने किसी की भलाई में खर्च किया है भगवान के लिए तो 5,00,000 अवश्य मिलेगा, ये पक्की बात है। अरे राम जी कैसी बात है, देखो हरी भैया बोले, हरी भैया का नाम लिखा, हरी भैया बोले आप मास्को चलिए, तो गुरु जी ने कहा वहां क्या रखा है, वहां तो झंझट होता है। तो भैया बोले गुरु जी चलिए वहां बहुत शांति होती है, तो गुरु जी बोले शांति तो मन में होती है, बाहर नहीं होती, जहां हम भगवान की बात नहीं कर सकते वहां हम कहाँ जाएं। एक मनुष्य की जिंदगी बनाना अच्छा होता है ना कि इधर उधर घूमना, शुक्राना हर हालत में करो, शिकायत से लाभ नहीं होगा, भगवान खुश नहीं होगा, अतः हर हालत में शुक्राना करो, भगवान जो भी कर रहा है अच्छा ही कर, देखने में नहीं। दीदी आ गई नहीं, अच्छा उनका नेट नहीं है। भगवान जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा, देखने में नहीं आएगा कि दुख में भी क्या भलाई है, संसार नाटक है, खेल का पार्ट मिला है करो। पर हम लोग तो परेशान हो जाते हैं, कभी कभी अथक परिश्रम करने के बाद भी मनुष्य संसार में खाली हो जाता है, अपूर्ण संसार है, जो भी हो रहा है होने दो, खेल बदल रहा है, मैं साक्षी हूँ, खेल को देखने वाला बनू, ऐसा सोचो। खेल कभी भयानक होता है, कभी अच्छा होता है, अतः खेल को खेल समझो तो कुछ नहीं होगा, अगर खेल को सत्य समझोगे तो हार्ट फेल होने लगेगा। हमको कहते हो गुरुजी घर छुड़ाते हैं, पर हम घर वर नहीं छुड़ाते हैं, हम घर बनाते हैं, पर मनुष्य भ्रम में कहता है कि घर छुड़ाते हैं गुरुजी। एक आदमी ने कहा गुरुजी, एक आदमी ने कहा गुरुजी ने कहा इधर ना जाओ उधर ना जाओ, एक बार गुरुजी ने ना, अच्छा एक ये कहानी है, एक चेला था गुरुजी थे, तो जो गुरुजी सत्संग करते थे तो जो भी आता था उसमें चढ़ावा तो गुरुजी सब बांट देते थे, बस अपना खाने वर करने खाते थे और बाकी सब बांट देते थे। चेला हमेशा कहता था गुरुजी कल ना आया तो मुश्किल होएगी, तो इसलिए कुछ तो रख लिया करिए आगे के लिए। गुरुजी कहे नहीं,
आता तो है, वो देने वाला देता है तो संचित करने की क्या जरूरत, क्योंकि वो सन्यासी थे। गृहस्थी को तो रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। हम लोग के गुरु जी ने तो गृहस्थ का ज्ञान दिया है, लेकिन वो सन्यासी थे गुरु शिष्य, तो उसके लिए चेला उनका बोलता था गुरु जी रख लीजिए, रख लिया करिए, रख लिया करिए। गुरु जी कभी सुनते नहीं थे उसकी बात, तो उसने अपनी बुद्धि से जो है कभी कुछ रख लिया। तो नाव पार करके एक दिन सत्संग में जाना था, कहीं नदी पार करनी थी, तो नाविक ऐसे तो हमेशा ले जाता था। उस दिन कहता है नाविक कि पैसा है तुम्हारे पास तब पार करेंगे, तो गुरु जी के पास तो पैसा था नहीं, उन्होंने पीछे हट गया कि भाई नहीं जाने को मिलेगा तो नहीं जाएंगे, पैसा ही नहीं हमारे पास, तो भगवान की मर्जी नहीं, हम सत्संग करने क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। चेले ने अकड़ के कहा नाविक से, है मेरे पास, चलो चलो। और गुरुजी भी चले गए, फिर तो पार उतर गए। जब सामने तो कोई कुछ नहीं बोला, पीछे में जैसे ही पार उतर के अकेले हुए गुरु शिष्य, तो चेला कहता है देखा गुरुजी, इसीलिए मैं कहता था कि पैसा जो है रखे रहिए, देखिए आज काम आया ना, मैंने 2 रुपए छिपा के रख लिए थे, देखिए 2 रुपए एक एक रुपया दे दिया पट्ट से, है ना, होता तो इस समय हम लोग जा नहीं सकते थे, पार नहीं थे, बोले आराम जा दे। आज ही तो रोका उसने, उससे पहले कभी रोका था हम लोग को नाविक ने, पैसे के लिए हमेशा संत समझ के साधु समझ के हमेशा पार करा देता था बिना पैसे के, रोका भी तो आया तो कपट तो तूने किया, उसी लिए रोका उसने। तो ये है अंदर की गति, हम अपने अंदर की गति नहीं समझ पाते हैं, ऐसे हैं देखा गुरु जी हमने बड़ा अच्छा काम किया। तो गुरु जी ने भी बढ़िया और जवाब दे दिया, रोका तभी तो ये हुआ। भगवान हर रूप हर देह, मतलब इसको कहते हैं ना ईश्वर अंदर है सबके, आपकी नियत के हिसाब से काम करना है वो, हम जबरदस्ती दोष दे रहे हैं सामने वाले को, अपनी नियत को नहीं हम देख रहे हैं कि हम नाम रूप में कितने बैठ के काम कर रहे हैं, कहाँ हम जान रहेंगे, मालूम है। कुछ कह रहा है कोई, आप कुछ बोल रही ना चाह रही, बता रहे बेटी बोलिए। सरयू जायसवाल आंटी कहाँ है, बोलिए। मेरे गुरु जी का देश निराला, मेरे गुरु जी का देश निराला, ना यहाँ गंगा ना यहाँ यमुना, ना यहाँ गंगा ना यहाँ यहाँ बहती शाली धारा है, यहाँ बहती प्रेम की धारा है, मेरे गुरु जी का देश निराला है, मेरे गुरु जी का देश निराला है, ना यहाँ ब्रह्मा ना यहाँ विष्णु, ना यहाँ ब्रह्मा ना यहाँ विष्णु, यहाँ चेतन का उजियारा है, यहाँ चेतन का है, मेरे गुरु जी का देश निराला है, मेरे गुरु जी का देश निराला। और क्या है, आता हो जिसको बोले, हमें आता नहीं पूरा,
जो भी गुरु जी की शरण में आता, जो भी गुरु जी की शरण में आता, वो पीता प्रेम प्याला, वो पीता प्रेम प्याला। मेरे गुरु जी का देश निराला है, मेरे गुरु जी का देश निराला। हमको पूरा नहीं आता, इतना ही आता था, आता हो किसी को तो लगा दे। बहन जी आंटी को तो जरूर आता होगा। मेरी जिंदगी में अंधेरा भरा था, तेरी रहमतों से सहर हो गई है, तेरी रहमतों से सहर हो गई है, उधर हो गया है ये सारा जवाना, निगाहें करम ये जिधर हो गई है, निगाहें करम ये जिधर हो गई, नजारे मिले हैं इशारे मिले हैं, तुम क्या मिले हो सहारे मिले, नजारे मिले हैं इशारे मिले हैं, तुम क्या मिले हो सहारे मिले हैं, हमें क्या खबर है कि जाना किधर है, बाहरों की मंजिल इधर हो गई है, पहाड़ों की मंजिल इधर हो गई है। मेरी जिंदगी में अंधेरा भरा था, तेरी रहमतों से सहर हो गई है, ना थी कोई राहें ना थी कोई मंजिल, ये कश्ती को मेरी न मिलता तो साहिल, न थी कोई राहें न थी कोई मंजिल, ये कश्ती को मेरी न मिलता तो साहिल, कहाँ है ठिकाना कहाँ आशियाना, तेरे दर से सारी खबर हो गई है, तेरे दर से सारी खबर हो गई है। मेरी जिंदगी में अंधेरा भरा था, तेरी रहमतों से सहर हो गई, मेरी जिंदगी में अगर तू ना आता तो मैं दर बदर की ठोकर ही खाता, मेरी जिंदगी में
अगर तू ना आता तो मैं दर बदर की ठोकर ही खाता। मुबारक है आना मेरे जाने जाना, मुबारक है आना मेरे जाने जाना। तो आया तो अपनी भी कदर हो गई है, आया तो अपनी भी कदर हो गई है। मेरी जिंदगी में अंधेरा भरा था, तेरी रहमतों से सहर हो गई है। रहे मेहरवा की सदा मेहरवानी, यही मांगती है मेरी जिंदगानी। रहे मेहरवा की सदा मेहरवानी, यही मांगती है मेरी जिंदगानी। सफल प्यारे भक्तों वही जिंदगी है, सफल प्यारे भक्तों वही जिंदगी है। सतगुरु के चरणों में बसर हो गई है, सतगुरु के चरणों में बसर हो गई है। मेरी जिंदगी में अंधेरा भरा था, तेरी रहमतों से सहर हो गई है। जय सतगुरु की भगवत। जय सतगुरु की मासी, मासी जय सतगुरु मासी। एक बात बोले, एक मिनट के लिए बस, एक मिनट। जय रवि कुछ कह रहा है, जरा रुक जाइए कि मैं रवि की सुन लीजिए, बस एक मिनट लेंगे मासी। हाँ बोलो बोलो। आप मासी देखिए लखनऊ कल आ रही हैं, कल निकलेंगे। रेखा मासी आज निकल रही हैं, तो कल रात में मासी ऐसे हम बैठे थे 10 बजे करीब, तो ऐसी वीडियो देख रहे थे लैपटॉप में, गुरु जी का एक वीडियो मिला, गुरु जी कह रहे हैं हम लखनऊ आ रहे हैं। मतलब आप यकीन नहीं जानेंगे मासी, मतलब हम कह रहे हैं कि इतना ये बड़ी बात है, बहुत समय से वीडियो कहीं तो छुपा हुआ था, तो हमने ऐसे ही सोने का टाइम था वीडियो खोला और गुरु जी कह रहे हैं हम लखनऊ आ रहे हैं। मतलब ये देखिए लीड करता है, मतलब वो सबसे पहले है, मतलब अपने गुरु से मिलने का जो होता ना लगन जो होती है, इच्छा होती है, तो ये तो स्थूलता की बात दिखती, वो तो है ही है, वो तो है हर जगह हर रूप में आ रहा है, लेकिन स्थूलता में दिखता है ना मासी, एक वीडियो में दिख रहा है। देखो हम सबसे पहले आ रहे हैं, रेखा मासी 2 दिन पहले आ रही है, हम 3 दिन पहले आएंगे मासी, रात में निकल गए गुरु जी। इसको कहते हैं, इसको ही बोलते हैं गुरु जी के, जो गुरु जी से पहले, जैसे कहते नहीं है ये ब्रह्म विद्या है, तो पहले आत्म ज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता, सबसे पहले आत्म ज्ञान होना जरूरी है, और आत्म ज्ञान होगा गुरु की कृपा के फलस्वरूप, गुरु की कृपा की नजर से ही वो द्वार खुलेगा, अन्यथा देह ज्ञान है। हम देह आत्मज्ञान चाहिए तो फिर उसके बाद ब्रह्म ज्ञान की बात तो बहुत ऊंची है, पहले आत्मज्ञान तो हो, अभी तो देह ज्ञान चल रहा है या नहीं, सही बात बता दें बहन जी, बता दीजिए सही बोल रहे नहीं बोल रहे। बिल्कुल सही बात है, आत्मज्ञान पहले फिर ब्रह्म ज्ञान की बात है, अभी तो देह ज्ञान से ही सब चल रहा है मामला। जय सतगुरु की।